हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं ढेर सारा स्टेशनरी कलेक्शन, जहाँ पे आज मेरे पास है पेंसिल बॉक्स और बहुत सारे स्टेशनरी किट्स। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, और जो भी प्रोडक्ट एंड में आपको सबसे अच्छा लगे उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जैसे जैसे न्यू वीडियोज़ लेके आऊँगी उसका एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आज मेरे पास है ये बहुत ही सुंदर सी और अमेजिंग सी ये एक पेंसिल बॉक्स, जो कि है यहाँ पे बाइक की शेप में, और ये है ग्रीन कलर की अमेजिंग पेंसिल बॉक्स। और यहाँ पे ये पूरा बाइक का लुक है, जिसके नीचे इतने बड़े बड़े टायर्स भी मिल जाते हैं जो कि है ब्लैक कलर के। और ये टायर्स देखिए कितने अमेजिंग टायर्स हैं, और ये रेसिंग बाइक है जिसके ऊपर रेसिंग स्टार भी लिखा हुआ है, और ब्रूम 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 भी लिखा है, जैसे कि बाइक चलाते हुए ब्रूम 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 होता है वैसे वाला। सो ये एक ग्रीन कलर की अमेजिंग सी बाइक, और यहाँ पे ये एक पेंसिल बॉक्स है, इसको हम ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें मुझे मिलता है सबसे पहले ये वाइट कलर का कंपार्टमेंट, जिसमें मैं अपनी पेंसिल्स रख सकती हूँ। सो इसमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल्स अटैच कर सकते हैं। सो 4 पेंसिल का अटैचर इसमें मिल रहा है। इससे जस्ट नीचे मिलता है ये भी बहुत सारा एरिया, जिसमें हम रख सकते हैं अपने बाकी के प्रोडक्ट्स। सो ओवरऑल यहाँ पे 2-2 कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, और इन दोनों कंपार्टमेंट में आपके सारे स्टेशनरी आइटम्स आ जाएंगे, है ना अमेजिंग। इसको कर देते हैं बंद और रखते हैं साइड में। इसको इवन आप अपने प्लेन सरफेस पे चला भी सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे ये टायर्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एक और पेंसिल बॉक्स, जो कि है यहाँ पे छोटा भीम का फ्रेंड्स फॉरएवर वाला लुक का पेंसिल बॉक्स, और ये है येलो एंड ऑरेंज कलर का, और ये फ्रेंड्स फॉरएवर इसके ऊपर लिखा हुआ है छोटा भीम, और ये देखिए छोटा भीम इसके ऊपर बना हुआ है, उसका मंकी फ्रेंड, उसका एक और फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड्स फॉरएवर यही पिक्चर हमें बैक साइड में भी मिल रही है। सो दोनों साइड सेम पिक्चर मिल रही है, और ये पेंसिल बॉक्स तो भाई दोनों साइड से ओपन होता है। तो ये देखिए 2-2 कंपार्टमेंट इसमें हमें मिल रहे हैं। चलिए इस साइड से इसको पहले ओपन करते हैं। इस साइड से ओपन करते ही वाओ, जस्ट लुक एट दिस, इसमें मुझे मिलते हैं 4-4 कंपार्टमेंट। एक ये वाला जिसमें हम अपनी पेंसिल्स, अपने कलर्स या फिर अपनी स्केल रख सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे 3 छोटे छोटे कंपार्टमेंट जिसमें हम अपनी इरेजर, एक में हम अपना शार्पनर, और एक में मैं अपने वैक्स क्रियॉन कलर जो कि मिनी कलर्स होते हैं वो रख सकती हूँ। और इसमें देखिए ये पूरा 4 कंपार्टमेंट वाला स्पेस हमें मिल जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसको करते हैं बंद, चलते हैं दूसरे साइड की तरफ। तो ये है दूसरी साइड ज्योमेट्री बॉक्स की, इसको भी करते हैं ओपन, और ये देखिए इसके अंदर भी मुझे मिलता है पूरा ऑरेंज कलर का सरफेस, जिसमें हम रख सकते हैं अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट, अपने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स, और यहाँ पे स्टेशनरी आइटम, जिससे ये पूरा पेंसिल बॉक्स फिल हो जाएगा। तो ये दोनों साइड से खुलने वाला है यहाँ पे छोटा भीम के लुक का एक अमेजिंग सा पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये डोरेमोन का एक शार्पनर, जो कि एग्जैक्टली डोरेमोन के लुक में लगता है। ये देखिए ये ब्लू कलर का डोरेमोन, जैसे एक्चुअल डोरेमोन है वैसा ये डोरेमोन लग रहा है ना क्यूट सा। ये तो हमारे टेबल पर भी हम इसको बैठाएंगे, और ये देखिए ये क्यूट सा डोरेमोन, और यहाँ पे ये डोरेमोन एक शार्पनर है। जी हाँ, ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है, जिसमें मुझे इसके नीचे शार्पनर हॉल मिल जाता है। इसमें हम अपने पेंसिल को शार्पन कर लेंगे और सारा डस्ट इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे हम इसको इजीली ओपन कर सकते हैं और सारा डस्ट बाहर फेंक सकते हैं, एंड अगेन इसको बंद कर सकते हैं। सो ये एक डोरेमोन के लुक वाला क्यूट सा ब्लू कलर का शार्पनर है ना, प्यारा सा शार्पनर, ये पूरा अमेजिंग सा क्यूट डस्ट कलेक्टर। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक डायरी, जो कि है यूनिकॉर्न की डायरी, और ये है पूरी ऑरेंज कलर की डायरी, और यहाँ सॉरी ब्लू कलर की डायरी, और यहाँ पे ये पूरी डायरी पैक है जो कि मुझे इस तरीके से बॉक्स में मिलती है। और ये देखिए इसके ऊपर मिल जाता है मुझे ये ट्रांसपेरेंट पैक, जिसको हटाते ही ये डायरी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे मुझे मिलेगा तो जिस तरीके का लुक। तो सबसे पहले मैं अपनी डायरी यहाँ निकाल लेती हूँ। सो इस डायरी के ऊपर मुझे मिल रहा है ये एक छोटा सा माउस, ये देखिए येलो कलर का। आप अपनी डायरी ऐसे रखेंगे तो कोई टच नहीं करेगा ये माउस देख के, और इस माउस को हम उठाएंगे तो ये देखिए ये सिलिकॉन का माउस है, इसको हम ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं, और ये माउस बेचारा देखिए कितना क्यूट सा है। ये पूरा येलो कलर का माउस है, और उसका फेस भी बिल्कुल माउस जैसा बना हुआ है। और इसको हम अपनी डायरी में रख सकते हैं, या अपनी और दूसरी स्टेशनरी पे भी मैं इसको रख सकती हूँ। सो ये क्यूट सा माउस यहाँ पे, और जो कि मेरी डायरी के ऊपर है, इसको हम रखते हैं साइड में। नेक्स्ट है यहाँ पे ये मेन डायरी, जो कि है यहाँ पे स्काई ब्लू एंड वाइट कलर की। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई यूनिकॉर्न, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है माई यूनिकॉर्न, और यहाँ पे यूनिक
यूनिकॉर्न बना भी हुआ है। यहाँ पे दो दो यूनिकॉर्न के पिक्चर है। बैक साइड पे भी एक सुंदर सा व्हाइट कलर का यूनिकॉर्न है जिसके पिंक कलर के हेयर्स हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है ये एक लॉक जो कि हमारा यहाँ पे बटन लॉक है। और ये देखिए ये बटन लॉक को हम ओपन कर सकते हैं। और इस लॉक को अगर आपको वर्क नहीं करना तो इस तरीके से आप इसको बंद भी कर सकते हैं और नॉर्मल डायरी यूज़ कर सकते हैं। सो बटन लॉक भी अवेलेबल है। और इसको खोलते ही मिलते हैं मुझे इसमें बहुत सारे पेजेस। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पेजेस हैं। और यहाँ पे तीन डिफरेंट कलर के स्टाइल मिल जाते हैं। सबसे पहले मिलता है ये पिंक कलर का स्टाइल जिसमें हमें मिलता है यहाँ पे मेमोज और यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए। उसके बाद मिलता है यहाँ पे हमें ग्रीन कलर जिसमें हमें मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो है ब्लू कलर जो कि कुछ ऐसा मिलता है। सो तीन डिफरेंट कलर के पेजेस। और यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारे पेजेस हैं इस डायरी में जो कि बहुत अमेजिंग है। और इसको हम वापस से बंद करके ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है गाइज, नेक्स्ट है मेरे पास एक और डायरी जो कि है यहाँ पे ये वाली। और ये है मिनी डायरी जो कि बहुत छोटी डायरी है। ये पूरी एक पर्पल कलर की डायरी यहाँ पे है जो कि राउंड शेप में है। इसको ओपन करते हैं चलिए। और ये पूरा पैक की गई है बहुत ही अमेजिंगली। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करते ही ये देखिए कुछ ऐसे ये डायरी मुझे मिल जाती है जो कि पूरी राउंड शेप की है। और ये कितनी मोटी डायरी है आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। और ये राउंड शेप की एक स्वीट सी पॉकेट फ्रेंडली डायरी और काफ़ी फ्लफी डायरी। इसका पूरा बेस यहाँ पे बहुत फ्लफी है और बैक साइड में भी इसका जो बेस है वो बहुत फ्लफी है। और इसके ऊपर देखेंगे तो इतनी प्यारी सी जो है लड़की बनी हुई है जो अपने घोड़े गाड़ी पे बैठी हुई है। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है पूरा पर्पल कलर का लुक। और बैक साइड पे ये मेरीगो राउंड की पिक्चर है जिसके ऊपर यहाँ पे फिशेस बनी हुई है। सो इसको हम ओपन करेंगे तो वाओ जस्ट लुक एट दिस। ये राउंड शेप की यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आपको मिलते हैं जो कि कितने स्टाइलिश और कलरफुल हैं जो कि यहाँ पे पिंक कलर के हैं। और इसके ऊपर सुंदर सुंदर ये छोटा छोटा यहाँ पे जो है रैपिड लुक बना हुआ है। और यहाँ पे हैप्पी भी लिखा हुआ है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ये बहुत सारे पेजेस वाली ये एक डायरी जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत सारे यहाँ पे आप इसमें काम भी कर सकते हैं। सो ये क्यूट सी सिंपल स्वीट सी एक छोटू सी डायरी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक ये पेंसिल बॉक्स जो कि है मिकी माउस के लुक का पेंसिल बॉक्स जिसके ऊपर मिकी माउस गूफी और यहाँ पे डॉग भी बनी हुई है। और ये है एक येलो एंड वाइट कलर का पेंसिल बॉक्स जो कि यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये भी मेरा दो दो साइड से ओपन होता है। और इसमें तो मुझे मिडल में एक और अमेजिंग सा प्रोडक्ट रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। सो बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है। इसको ओपन करेंगे तो बैक साइड से मुझे इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये एक स्केल जो कि है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये भी एक मिकी माउस का स्केल है जो कि रेड कलर का है। सो ये रेड कलर का मिकी माउस का स्केल इसमें मिलता है। नेक्स्ट मुझे इसमें मिलता है ये एक यहाँ पे स्टैम्पर, यहाँ पे टाइम टेबल जो कि यहाँ पे एक स्टिकर है। सो ये टाइम टेबल स्टिकर जिसके ऊपर यहाँ पे मिकी माउस और गूफी की पिक्चर बनी हुई है। सो ये टाइम टेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे ये एक व्हाइट कलर की इरेजर, नॉर्मल इरेजर। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मुझे इसमें मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे बहुत अमेजिंग है। इसको भी करते हैं बंद, चलते हैं फ्रंट लुक की तरफ। तो ये है फ्रंट लुक जिसको ओपन करते ही इसमें मुझे मिल जाता है यहाँ पे पेंसिल होल्डर्स जिसमें मैं अपनी पेंसिल होल्ड करा सकती हूँ। और इसमें एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें मुझे मिल रहा है ये व्हाइट बोर्ड मार्कर और एक डस्टर। इसका यूज भी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये पूरा स्पेस आपको मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स रखने के लिए। इसको करते हैं बंद। अब यहाँ पे मिडल में मुझे मिलते हैं ये दो बटन जिसको प्रेस करते ही मुझे मिल जाता है ये बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड जो कि यहाँ पे दोनों बेस पे बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे मिलता है जिसके साथ मुझे मिलता है ये एक मार्कर और डस्टर जिसको हम ओपन करके यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो हमारा नाम यहाँ पे है के फन। तो हम इसको जो है यहाँ पे लिख रहे हैं। और आप भी हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको हम यहाँ पे ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अमेजिंगली हमने इसको रिमूव कर लिया और कितने अच्छे से हमने इसको यहाँ पे वापस से यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर लिया। और देखिए ये पूरा व्हाइट बोर्ड फिर से क्लीन हो गया है जो कि हम वापस यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम वापस से रख लेते हैं अपने इस पेंसिल बॉक्स में। और देखिए है ना अमेजिंग सा पूरा व्हाइट बोर्ड की लुक वाला एक प्यारा सा ये पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक ये अमेजिंग सा ऑयल पेंटिंग स्टिक का पैकेट जिसमें मुझे मिल रहे हैं 12 पीसेस ऑयल पेंटिंग स्टिक्स। और इसका जो पूरा थीम है ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ये ऑयल पेंटिंग स्टिक्स लिखा भी हुआ है और इसके पीछे ये फिश डक और ये पूरा एक ओशन थीम दिख रहा है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके पीछे बहुत सारे पेड़ भी हैं जिसके ऊपर यहाँ पे नारियल हैं।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम पिक्चर हमें फ्रंट में भी दिख रही है। सो इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करते ही हमें मिल जाता है यहाँ पे ये 12 पीसेस का ऑयल पेंटिंग स्टिक पैड्स, जिसमें हमें यहाँ पे वाइट, क्रीम, येलो, लाइट ब्राउन, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे रेड, ब्राउन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर, ये सारे कलर्स मिल रहे हैं। और सारे कलर्स के ऊपर आप देखिए कितनी अमेजिंग थीम है, जो कि यहाँ पे सेम पैक वाली थीम है। और यहाँ पे ये काफ़ी मोटे कलर्स हैं, सो इनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। सो ये पूरे कलर्स हमें यहाँ पे अमेजिंग मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं सबसे पहले। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ये 2 पेंसिल का पैक, जो कि पेंसिल प्लस क्रियॉन का पैक है, जिसमें मुझे मिलती है ये स्माइली पेंसिल्स। और ये पूरा पैक कुछ इस तरीके का है, जिसमें हमें मिल जाते हैं ये 2 पेंसिल्स, और ये 2 पेंसिल में से एक हमें पेंसिल क्रियॉन भी मिलता है। क्या है ये, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का लुक बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें मुझे डिफरेंट तरीके के यहाँ पे जो है स्माइली मिल रहे हैं। टोटल इसमें मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्माइलीज मिल रहे हैं। तो ये है सबसे पहले एक पेंसिल, जो कि यहाँ पे मुझे ये 10 पीसेस में पेंसिल्स मिलती है, जिसको हम यहाँ पे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे इसका फ्रंट लुक में हमें मिल जाता है ये कैप, जिसको हटा के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए कितने सारे यहाँ पे हमें पेंसिल्स मिल रही हैं, और ये छोटी छोटी पेंसिल्स, इसको आप शफल कर सकते हैं, एक पेंसिल यूज हो जाए, खत्म हो जाए तो दूसरी यूज कर सकते हैं। सो ये पूरी यहाँ पे नॉन शार्पेबल यहाँ पे पेंसिल, इसी तरीके से यहाँ पे मिलता है ये कलर क्रियॉन, जो कि यहाँ पे है क्रियॉन्स, यहाँ पे हमें देखिए ये तरीके का ब्लू कलर, और यहाँ पे ये मिलता है क्रीम कलर। ऐसे ही इसमें मुझे मिल जाते हैं 10 कलर्स, क्योंकि ये देखिए पिंक कलर, और ये यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर, और ये येलो कलर। तो ऐसे बहुत सारे कलर्स ये पूरे पैक में हमें मिलते हैं, जिसमें ये पूरा पैक यहाँ पे बिल्कुल अमेजिंग है, है ना, अमेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है ये यूनिकॉर्न का सुंदर सा पिंक कलर का स्टेशनरी सेट, जो कि यहाँ पे पिंक एंड ब्लू कलर का है। देखिए कितना अमेजिंग शाइनिंग पेंसिल बॉक्स है, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर मैजिकल यूनिकॉर्न भी लिखा हुआ है, और साइड साइड में यहाँ पे यूनिकॉर्न के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे जो है आपका रेनबो है, क्लाउड है, और भी प्यारे प्यारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। और बैक साइड में तो ये पूरा भरा हुआ है आपके यूनिकॉर्न लुक से। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके के पूरे यूनिकॉर्न के प्रोडक्ट्स इसमें मिल रहे हैं। सबसे पहले मिलता है यहाँ पे ये एक पेंसिल बॉक्स, जो कि है ये यूनिकॉर्न के लुक का, और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर ये यूनिकॉर्न का लुक बना हुआ है, ड्रीमर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैजिकल यूनिकॉर्न भी। और बैक साइड से यहाँ पे लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर का पूरा लुक है, जिसके ऊपर स्टार्स, यहाँ पे हार्ट, और ये पूरा लुक मिलता है। इसको ओपन करते ही हमें मिल जाते हैं इसमें ये इतना सारा स्पेस, जिसमें हम रख सकते हैं अपने बहुत सारे आइटम्स। इसमें हम अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारे पास इसमें पेंसिल्स, जो कि है यहाँ पे ये 2 राउंड शेप की काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली पेंसिल। इसकी साउंड आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए ये राउंड शेप की यहाँ पे जिगजैग लुक में पेंसिल, जिसके ऊपर यहाँ पे पिंक एंड वाइट कलर का लुक है, जिसके हम यहाँ पे अपने पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद मुझे मिलता है यहाँ पे ये पिंक कलर का एक इरेजर, जो कि काफ़ी थिक इरेजर है, और ये भी है यूनिकॉर्न का, यूनिकॉर्न आर रियल वाला इरेजर। इसके बाद यहाँ पे मुझे मिलता है एक ये हमारा शार्पनर, जो कि है राउंड शेप का, और ये भी पूरा पिंक कलर का शार्पनर है, जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक अमेजिंग सा यूनिकॉर्न का पेंसिल यहाँ पे पाउच, यहाँ पे इसमें हम मनी रख सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा पाउच, जिसके ऊपर यूनिकॉर्न की पिक्चर है, और यहाँ पे मैजिकल यूनिकॉर्न भी लिखा हुआ है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे ओपन, और ओपन करते ही इसमें मिल जाती है एक पॉकेट, जिसमें हम अपनी मनी रख पाएंगे, और ये यूनिकॉर्न की फ़ोटोग्राफ, और ये जिप मिल जाती है, जिसको हम वापस से बंद कर सकते हैं। चलिए इसको वापस हम कर लेते हैं बंद, और देखिए ये मेरे पेंसिल बॉक्स में भी आ जाएगी, और इसको हम वापस बंद कर सकते हैं। तो मेरा पूरा स्टेशनरी सेट इस पूरे पेंसिल बॉक्स में आ गया है, इसको भी हम रखते हैं साइड में। नेक्स्ट मेरे पास है ये एक डॉम्स का हेक्स ऑयल पेस्टल पैक, जिसमें मुझे मिलते हैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल के पैक, जो कि एक सूट केस में मिल रहा है। ये देखिए बिल्कुल अमेजिंग सूट केस का लुक बना हुआ है, जिसका प्राइस लिखा हुआ है 95 रुपीज़। और ये है डॉम्स के प्रोडक्ट्स, जिसमें ऑयल पेस्टल कलर मिलते हैं, और ये देखिए कितना अमेजिंग इसका पूरा प्रोडक्ट है। इसमें यहाँ पे एक सुंदर सी ड्राइंग भी की गई है, जो कि सेम कलर यूज़ करके बनाई गई है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें लॉक मिल जाते हैं, जिसको ओपन करते ही मुझे इसके अंदर मिलता है सबसे पहले
पहले एक ये यहाँ पे शेडर जो कि स्पिनर में है, और ये देखिए ये चार चार शेड्स हमें इसमें मिल जाते हैं जिससे हम इसको यहाँ पे कलर्स यूज़ करने के बाद शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे जो है यहाँ पे मिलते हैं ये 12 कलर जो कि हैं यहाँ पे वाइट, येलो, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे आपका रेड कलर, ब्राउन कलर, ये आपका थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे लाइट ब्लू, ब्राउन, पर्पल, यहाँ पे लाइट ग्रीन और ब्लैक, ये सारे कलर्स हमें मिलते हैं जो कि सारे यहाँ पे काफ़ी मोटे कलर्स हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले कलर्स हैं जिससे आप अपनी कलरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें मिलता है ये एक शार्पनर जो कि हम इस कलर्स को शार्पन करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये एक एक्सटेंडर जिससे हम अपने जो है इन कलर्स का हाइट बढ़ाने के लिए अपने कलर्स इसमें डाल के और यहाँ पे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये पूरा ओवरऑल एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट, इसको कर देते हैं बंद। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक और पेंसिल बॉक्स जो कि है यहाँ पे लाइट पिंक एंड डार्क पिंक कलर की एक सुंदर सी यहाँ पे डिज्नी प्रिंसेस के पेंसिल बॉक्स जिसके ऊपर डिज्नी प्रिंसेस लिखा हुआ है और यहाँ पे चार चार डिज्नी प्रिंसेस बनी हुई है और बैक साइड पे भी सेम चार चार पिक्चर डिज्नी प्रिंसेस की है। ये ओवरऑल लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर का ये पूरा पेंसिल बॉक्स है। इसको हम एक साइड से ओपन करेंगे तो ये देखिए ये मिलता है फुल यहाँ पे हमें स्पेस जिसमें हम अपनी पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर रख सकते हैं। सो ये पूरा एक स्पेस हमें मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे टेक्स्चर में है और ये देखिए कितना अमेजिंग डिज़ाइन है इस पूरे पेंसिल बॉक्स पे। इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं अपने फ्रंट लुक की तरफ। तो ये है फ्रंट लुक जिसको ओपन करते ही यहाँ पे मुझे मिलता है ये चार चार कंपार्टमेंट वाला पेंसिल बॉक्स का स्पेस जिसमें यहाँ तो मैं अपनी पेंसिल्स रख सकती हूँ और यहाँ पे मुझे मिल रहा है इरेजर रखने के लिए और यहाँ पे शार्पनर रखने के लिए स्पेस और यहाँ पे मिडल स्पेस में आप जो मन चाहे रख सकते हो अपने क्रियॉन्स, अपने पेंसिल क्रियॉन्स या फिर अपने जो है और कोई प्रोडक्ट्स, इसको भी हम रख देते हैं बंद करके साइड में। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक छोटू सा कैमरा जो कि है यूनिकॉर्न के लुक का कैमरा और ये भी है एक येलो एंड पर्पल कलर का लुक और इसमें देखिए ये पूरा यूनिकॉर्न का लुक बना हुआ है। इसमें तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है जिसमें एक यूनिकॉर्न को रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे कैमरास के बटन जिसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और ये फ्रंट लुक जैसे कि एक लेंस होता है वैसा लुक और ये देखिए ये पूरा लेंस में हमें यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। सो ये एक प्यारा सा यूनिकॉर्न का लुक और ये यहाँ पे हम इसको देख के फोटो का क्लिक 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 कर सकते हैं बट एक्चुअली में ये एक शार्पनर है जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। इसमें मुझे मिलते हैं दो दो शार्पनर, एक नॉर्मल और एक उससे थोड़ा सा जाइंट लुक में जो कि हम यहाँ पे शार्पन के लिए यूज़ करेंगे और यूज़ होने के बाद इसको हम ऊपर से ओपन करके डस्ट को क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये है एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर। सो ये एक अमेजिंग सा डस्ट कलेक्टर शार्पनर। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 3-in-1 लुक वाला ये एक हाईलाइटर पेन जो कि यहाँ पे है तीन तीन हाईलाइटर पेन का कॉम्बो। तो ये एक प्यारा सा पर्पल कलर का एक एस्ट्रोनॉट और स्पेस लुक वाला हाइलाइटर पेन जिसमें मुझे मिलते हैं तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स। तो पहले कैप को हटाते ही यहाँ मिल जाता है ये येलो कलर का हाइलाइटर जो कि कितना शाइनी शाइनी है। इसके बाद मुझे इसमें मिलता है ये एक और पिंक कलर का हाइलाइटर जो कि देखिए कितना अमेजिंग हाइलाइटर है, कितना प्यारा हाइलाइटर है और इसको बंद करते ही यहाँ पे लास्ट में मिलता है ये एक ब्लू कलर का हाइलाइटर जो कि देखिए कितना अमेजिंग है ये भी। तो ओवरऑल ये तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर के येलो यहाँ पे पिंक और ये पर्पल कलर का हाइलाइटर मुझे एक ही हाइलाइटर में मिल रहा है ना अमेजिंग। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है एक और शार्पनर जो कि है पूरा पैक किया हुआ शार्पनर और ये देखिए ये एक स्वीट सा ब्राउन कलर का शेफ जो कि यहाँ पे पूरा शार्पनर है और यहाँ पे पेंसिल शार्पन लिखा भी हुआ है और ये पूरा इस तरीके से पैक है जो कि यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा ये एक शेफ का लुक जिसमें हमें यहाँ पे शार्पनर मिल जाता है और ये देखिए ये पूरा ब्राउन कलर का यहाँ पे लुक जो कि यहाँ पे पूरा एक शेफ लग रहा है। इसके हाथ यहाँ पे जो है इसने एप्रिल भी पहनी हुई है, शेफ की कैप भी लगाई हुई है और इसके नीचे हमें मिल जाता है शार्पनर जो कि हम यहाँ से पेंसिल शार्पन कर सकते हैं और साथ ही साथ सारा डस्ट इसका क्लीन हो जाएगा। सो ये एक पेंसिल शार्पनर जो कि ओपन पेंसिल शार्पनर है और इससे आप इजीली अपना सारा डस्ट क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक यहाँ आपके हाईलाइटर जो कि है दो डिफरेंट डिफरेंट कलर हाईलाइटर और ये दो डिफरेंट डिफरेंट कलर हाईलाइटर मुझे मिलते हैं सेम लुक में जो कि है यहाँ पे किटी के जो है फुटप्रिंट के लुक में जैसे कि
के फुटप्रिंट होते हैं वैसा लुक ये दिख रहा है, जिसमें ये है रेड एंड ब्लू कलर और ये है ग्रीन एंड यहाँ पे स्काई ब्लू कलर। और ये मुझे मिलते हैं दो अलग अलग कलर के हाईलाइटर, एक ग्रीन और एक ये यहाँ पे क्रीम कलर। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये है ग्रीन कलर जो कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कितना अमेजिंग लाइट कलर का यहाँ पे पूरा ये हाईलाइटर है, काफ़ी लाइट लुक में। और इसके बाद ये एक ऑरेंज कलर जो कि यहाँ पे हमें मिल जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छा कलर जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये दो दो कलर हाईलाइटर जो कि यहाँ पे काफ़ी सुंदर है। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट मुझे मिलता है ये छोटा सा एरोप्लेन जो कि है यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट कलर का। और इसके नीचे तो भाई यहाँ पे हमें टायर्स भी मिल जाते हैं जो कि हम कहीं पर चला भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पे एरोप्लेन मिलता है हमें जो कि है एक शार्पनर और यहाँ पे एक इरेजर का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, ये एक शार्पनर और इरेजर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मुझे मिलता है इस साइड से एक शार्पनर जिसमें मैं अपनी पेंसिल डाल करके शार्पन कर सकती हूँ और सारा डस्ट कलेक्ट हो जाएगा इस एरिया में, जिसको हम बाद में क्लीन कर सकते हैं। सो ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर। और इसके बैक साइड के पोर्शन को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगी इरेजर, जिससे हम इरेज कर सकते हैं और इसको वापस इसके अंदर डाल सकते हैं। सो ये एक शार्पनर एंड इरेजर का कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। सो ये प्यारा सा यहाँ आपका सुंदर सा एरोप्लेन जो कि एक शार्पनर एंड इरेजर है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये डिज्नी फ्रोजन प्रिंसेस का पेंसिल बॉक्स जो कि है यहाँ पे पिंक एंड यहाँ पे आपका पर्पल कलर के लुक में, जिसमें यहाँ पे डिज्नी प्रिंसेस वी आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। और यहाँ पे बैक साइड में ये बिल्कुल प्लेन लुक में है। चलिए इसको ओपन करते हैं। सो बैक साइड से ओपन करते ही मिलता है कुछ ऐसा लुक जिसमें आप अपनी सारी पेंसिल इरेजर और कलर्स रख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। इसको करते हैं बंद, चलते हैं फ्रंट लुक की तरफ। तो ये है फ्रंट लुक जिसमें हमें मिल जाते हैं यहाँ पे अपनी पेंसिल्स रखने की स्पेस, और यहाँ पे भी हमें मिलता है स्पेस जिसमें हम अपने बाकी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे दोनों साइड में सिमिलर एरियाज़ मिल रहे हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ मिल रही है, वो है ये साइड में दो कंपार्टमेंट्स जो कि हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको ओपन करते ही ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा लुक मिलता है इस पूरे पेंसिल बॉक्स का, जिसमें आप अपनी इरेजर और शार्पनर एक एक साइड रख सकते हैं और दोनों साइड में आपका यहाँ पे स्पेस आप फुल यूज़ कर सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे दो दो कंपार्टमेंट्स भी हैं। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला ये पूरा पेंसिल बॉक्स हमें मिलता है। नेक्स्ट मुझे इसमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे एक ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ये पेंसिल और यहाँ पे इरेजर्स का पैक जो कि है एक स्टेशनरी सेट। और ये है डायनासोर के लुक का स्टेशनरी सेट जो कि पूरा ब्लू एंड येलो कलर का है, जिसके बैक साइड पे काफ़ी सारे डायनासोर बने हुए हैं। और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही कुछ ऐसा यहाँ पे हमें मिलता है प्रोडक्ट्स जो कि कुछ अमेजिंग लुक में है, जिसमें सबसे पहले मुझे मिल रही है यहाँ पे सिक्स पेंसिल्स जो कि है यहाँ पे दो दो अलग अलग कलर यहाँ पे लुक में पेंसिल। सबसे पहले दो पेंसिल मुझे रेड कलर की, दो येलो कलर की और दो ब्लू कलर की मिल रही हैं जो कि काफ़ी अच्छे लुक में है। और ये देखिए ये है यहाँ पे हर पेंसिल के पीछे इरेजर्स जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिक्स ग्लासी शाइनी पेंसिल्स जो कि यहाँ पे मिलती है इरेजर्स के साथ, जिसको आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये एक यहाँ पे बुक मार्क स्केल, जिसको हम यहाँ पे स्केल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बुकमार्क भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर तो प्यारा सा डायनासोर भी बना हुआ है। सो ये डायनासोर क्यूट सा डायनासोर और ये बहुत ही सुंदर सा डायनासोर वाली यहाँ पे एक पेपर वाली स्केल। नेक्स्ट मुझे इसमें मिलती है एक ये पेंसिल ग्रिपर जो कि है फिश के लुक में, जिसमें हम अपनी पेंसिल डाल के इसमें ग्रिपिंग का वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है एक ये नेवी ग्रीन कलर का शार्पनर, जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे इसमें मिलती है चार चार इरेजर्स जो कि यहाँ पे है डिफरेंट यहाँ पे लुक वाली इरेजर, और ये सारे डायनासोर थीम की है। ये देखिए ये सारे डायनासोर हैं, बट ये सारे डायनासोर यहाँ पे अलग अलग लुक में हैं। जैसे कि ये देखिए ये ग्रीन कलर का इसके सर पे सिंग है, ये नॉर्मल डायनासोर, ये थोड़ा सा बूढ़ा सा, और ये देखिए इसकी पीठ भी यहाँ पे उठी हुई डायनासोर। तो ये चार अलग अलग लुक वाले डायनासोर इरेजर्स जिसको हम यहाँ पे इरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये चारों के चारों काफ़ी बड़ी इरेजर्स हैं। ऐसे कैसे लगे गाइस आज की ये पूरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।